सोमवार से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। लोग अपने घरों की साफ सफाई कर माता रानी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। मंदिरों की सजावट तो देखते ही बन रही है। बावे वाली माता के मंदिर में भी शारदीय नवरात्रों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंदिर को सजाया जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है। खास तौर पर श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें और कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें ताकि गंदगी ना फैले। इसके बारे में अधिक जानकारी साझा कर रही हैं महंत शिल्पा मंगोत्रा। सभी को मेरी तरफ से जय माता दी और आप सभी को ये नवरात्रे शारदीय नवरात्रे हैं इसकी शुभकामनाएं। मैं सभी जम्मू वासियों को धन्यवाद करती हूं और उनसे अपील करती हूं कि यहां पे आइए और यहां पे हमारे साथ पूरा सहयोग दीजिए। जिस तरह से हमने यहाँ पर तैयारियाँ करी हुई हैं, हमारे साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा सहयोग दिया है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पानी वाला डिपार्टमेंट, इन सब की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। और मैं लोगों से भी अपील करती हूँ कि पॉलीथीन का कम से कम यूज़ करिए और आके यहाँ पे माथा टेकिए। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती है। जिस तरह से हमने देखा है कि हम नवरात्रों में लोग दूर दूर से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं और वहीं से चले जाते हैं, लेकिन अब मैंने ये देखा है कि लोग यहाँ भावे वाली माता के यहाँ दरबार में भी माथा टेकने आते हैं और जिनकी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं और वो फिर से यहाँ पर मनोकामना अपनी पूरी चढ़ाने आते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। और मैं सबसे ये अपील करूंगी कि इस बार आइए नवरात्रों के मेले में, सहयोग दीजिए हम सबको आके। हाँ, और हम सब, हमें आप सबका सहयोग चाहिए और वो फिर से इस नवरात्रे की शुभकामनाएं देती हूं और जय माता दी। जय माता की। मैं सफाई कर्मचारी यूनियन की तरफ से और सुपरा यूनियन की तरफ से मैं एज ए प्रेसिडेंट सारे जम्मू वासियों से अपील करता हूँ कि नवरात्रों का त्यौहार आया है और अपने अपने घरों की जो सफाई है वो घरों का कूड़ा भी जो है बाहर मत फेंके। उसमें ये है कि आप हमारे ऑटो में फेंके और भवन पर किसी भी मंदिर में जाएं, यहाँ पर हमारे बहुफोड़ माता का मंदिर है जो पुराना प्राचीन काल का, यहाँ पर भी जितने भी यात्रु आएँ वो अपना जो भी पॉलीथीन हो, पॉलीथीन का तो इस्तेमाल ना करें, जो लिफाफा है, जो भी आप खाकर कुछ भी वेस्टेज फेंकते हैं, फ्रूट भी, वो डस्टबिन में फेंकें और जो नीचे फेंक रहा है उसको भी समझाएं, अवेयर करें। हमारे जम्मू वासियों के लिए ये हमारा मैसेज है यूनियन की तरफ से। मैं आपका फिर आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूं और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ करता हूं कि उन्होंने इतना काम, आज से 6 दिन पहले से हमने ये नवरात्रों का जितना भी हमने सैनिटेशन का, ट्रांसपोर्ट सेक्शन का, नाला लेबर का, जितना भी हम बढ़ चढ़ कर काम करवा रहे हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी, ऑनरेबल चेयरमैन, ऑनरेबल वर्दी कमिश्नर, मेयर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी है, उन्होंने सभी लोगों ने सहयोग दिया है, डिविजनल कमिश्नर साहब ने। लेकिन हम फिर भी आपके माध्यम से ये कहते हैं कि आप जब तक हमारी नगरवासी हमारा सहयोग नहीं करेंगे तब तक ये पूरी साफ सफाई नहीं होगी। आपके यही मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारा मैसेज। धन्यवाद।